सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैनेडा के अपडेट्स के बारे में। मैंने पार्टनर में भी बहुत सारी पीपीआर डिस्कस की थी जो 6 जून 2021 की स्पेशली पीपीआर थी, एंड उसके बाद अभी इस वीडियो में बात करेंगे 7 जून और 8 जून की कुछ पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। गॉट पीपीआर एसओडब्ल्यूपी प्लस किड, एप्लीकेशन डेट है इनकी 25 जनवरी 2022, मेडिकल अपडेट 1 फरवरी 2022 को, बायोमेट्रिक भी इनके 9 फरवरी 2022 को हुए थे, एंड 6 जून को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। एंड इनकी जो एप्लीकेशन सीरीज है वो W3065 विद किड एज 7। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। एसओडब्ल्यूपी प्लस किड विजिटर वीजा, फाइल डेट है 24 सितंबर की, बायोमेट्रिक 12 नवंबर को, री मेडिकल अपडेट इनका 5 अप्रैल को हुआ, रिव्यू स्टार्ट इनका 5 अप्रैल को ही हुआ, एंड 7 जून को शाम को 7:30 बजे पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 5 दिसंबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक इनके 24 दिसंबर 2021 को हुए, अपफ्रंट मेडिकल इनका 2 अप्रैल 2022 का था, मेडिकल अपडेट इन जीसी की 29 अप्रैल 2022 को हुआ, एंड रिव्यू स्टार्ट 5 मई 2022 को हुआ, 7 जून को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो एसओडब्ल्यूपी प्लस 2 किड्स की फाइल है। 11 सितंबर 2021 की फाइल है। 18 नवंबर को इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 13 सितंबर को मेडिकल अपडेट हुआ था, एंड अप्लाइड फॉर पीजीडब्ल्यूपी, 23 अप्रैल अपडेट वेयर वेबफॉर्म इन स्पाउस फाइल, एंड 4 जून को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। हैप्पी टू शेयर दैट वी रिसीव अवर पीपीआर टुडे विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। एसओडब्ल्यूपी प्लस किड स्पाउस स्टूडेंट वीजा, एप्लीकेशन सबमिट डेट है 21 अक्टूबर 2021 की, मेडिकल अपडेट इनका 12 फरवरी को हुआ, रिव्यू स्टार्ट इनका 30 मई को हुआ, एंड 7 जून को इनको भी फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 9 जनवरी 2022 की फाइल है। बायोमेट्रिक एंड मेडिकल अपडेट 13 जनवरी 2022 को हुए, रिव्यू स्टार्ट इनका 10 मई को हुआ, एंड पीपीआर इनको 8 जून 2022 को फाइनली मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 12 मार्च 2021 की फाइल है। रिव्यू स्टार्ट इनका 16 अक्टूबर 2021 को हुआ था, मेडिकल अपडेट 16 अक्टूबर 2021 को हुआ था, एंड उसके बाद इनको रिजेक्शन मिली थी 25 फरवरी 2022 को। नॉक जॉब इशू था, रिजेक्शन स्टेटिंग दैट द हस्बैंड डोंट नॉक लेवल जॉब बट माय हस्बैंड इज हैविंग नॉक ए लेवल जॉब। इनके पास नॉक ए लेवल की जॉब थी बट इनको बोला गया कि आपके पास नॉक लेवल की जॉब ही नहीं है। सो उसके बाद इन्होंने रिकंसिडरेशन दी थी 21 मार्च को, एमपी रिक्वेस्ट की थी इन्होंने 9 अप्रैल को, एंड फाइनली 7 जून को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 26 मार्च 2022 की फाइल है। 30 मार्च को इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 27 अप्रैल को मेडिकल अपडेट हो गया था, एंड रिव्यू स्टार्ट 27 अप्रैल को हुआ था, एंड फाइनली 7 जून को इनको पीपीआर मिल गई। सो मार्च के बाद जून में पीपीआर मिलना बहुत बड़ी बात है कि जनवरी फरवरी मार्च भी अभी स्टार्ट हो गया है। सो इससे आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो। सो उसके बाद करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन जो 3 जनवरी 2022 की फाइल है। 12 जनवरी 2022 को बायोमेट्रिक हुए, मेडिकल अपडेट 6 जनवरी 2022 को हुआ, रिव्यू स्टार्ट 6 मई को हुआ, एंड पीपीआर रिक्वेस्ट इनको 7 जून 2022 को फाइनली मिल गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके आना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर एंड हमेशा मेरी वीडियो देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन, बाय बाय।